इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की आरोपी और टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को दफ्तर ले जा रही परिवर्तन निदेशालय ईडी की गाड़ी में एक कार ने टक्कर मार दी है। अर्पिता संग ईडी अधिकारी भी गाड़ी में मौजूद थे। किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, सभी लोग सुरक्षित बच गए हैं। अपने दर्शकों को बता दें, अर्पिता की आज शिक्षक भर्ती घोटाले में कोर्ट में पेशी होनी है। अर्पिता मुखर्जी को हाल ही में एक दिन की रिमांड पर भेजा गया था और बीते दिनों अर्पिता को कोर्ट से ईडी की गाड़ी में दफ्तर ले जाया जा रहा था, तभी एक कार उनकी गाड़ी से भिड़ गई। ऐसे में माना जा रहा है कि अर्पिता से कई बड़े खुलासे हुए। अर्पिता के घर से करोड़ों रुपए की जो नकदी बरामद हुई है, ऐसे में पूछताछ की जा रही है कि अर्पिता के लिंक और किस किस के साथ है। हालांकि अर्पिता ने पुलिस की पूछताछ में ये खुलासा कर दिया है कि जो भी पैसे आते थे वो नीचे से ऊपर तक बांटे जाते थे और इन सब पूरे घोटाले में पार्थ चटर्जी की तो मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि कोर्ट अर्पिता को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाता है और क्या दोबारा पुलिस अर्पिता को कस्टडी में लेकर दोबारा रिमांड पर लेगी, और अगर रिमांड पर लेती है तो अर्पिता क्या बड़े खुलासे करते हैं। दरअसल देखा जा रहा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार एक के बाद एक छापे टीएमसी के मंत्रियों पर पड़ रहे हैं, उसे देखकर ममता बनर्जी सीधे तौर पर मोदी सरकार से नाराज है और उनका कहना है कि मोदी सरकार केवल और केवल बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।